बात ना करो। सवाल नंबर 15 का चित्र कुछ इस तरह से बना हुआ था। नीचे कुछ लिखे थे, मानववाद माना नाव चार मिनट में ए से बी तक पहुंच जाती है। तथा कितने मीटर की दूरी तय करती है? एक्स मीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो इसलिए ये जो ए बी था वो क्या था? यक्स। अब लिखेंगे माना नाव की नाव से इमारत की दूरी बराबर वाई मीटर, बी सी बराबर कितना हो गया? वाई मीटर अब देखो, इसलिए कुल मिला के ए सी जो है ए सी, ए से सी की बात अगर की जाए तो ए बी और बी सी का योगफल हो जाएगा, मतलब यक्स प्लस वाई मीटर हो जाएगा। हो गया ना? यहाँ पे ये चीज हमको याद रखना है कि चार मिनट में वो ए से बी पहुंच रही है और कितना दूर तय कर रही है, मतलब चार मिनट में वो यक्स मीटर चली है, अर्थात यक्स मीटर दूरी चलने में लगा समय कितना है उसका? चार मिनट है। ये हमको याद रखना है, इसकी जरूरत अंत में पड़ने वाली है। उसके बाद दो उन्नयन कोण है, दोनों उन्नयन कोणों को लिखा जाए। उन्नयन कोण पहले वाले का नाम क्या है? तीस अंश वाले का कोण सी ए डी बराबर 30 अंश, कोण सी बी डी कोण लिखना है, कोई भी लिखो तो लिखे, त्रिभुज तो लिए नहीं है। अभी कोण लिख रहे हैं, कोण लिखे, अभी कोण, ये 30 अंश वाले कोण की बात कर रहे हैं। तो इधर ए है वो बीच में है, यहाँ सी तक आया और ऊपर डी तक गया, तो सी ए डी ही होगा। ये 60 अंश है, यहाँ बी से गया है वो, इधर सी और ऊपर डी, तो इसलिए सी बी डी है। हो गया ना? अब हम त्रिभुज की बात करते हैं। देखो इधर समकोण त्रिभुज, पहले 60 अंश वाला लिया जाए, ये त्रिभुज बी सी डी होगा, समकोण त्रिभुज सी डी में क्या करेंगे? 10 लिया जाएगा, कितना अंश? 10 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है? लंब सीडी,
बटे आधार बीसी। तो लंब वाला तो हमने कुछ माना नहीं, यहाँ पे मान सकते हो, माना इमारत की ऊंचाई सीडी बराबर यस मीटर। तो अब देखो इधर 360 अंश का मान होता है कर्डिन 3, नीचे कुछ नहीं तो 1, ऊपर क्या होता है जी यच है और नीचे वाई है, तो कर्डिन में 3y बराबर यच। इक्वेशन नंबर 1, मतलब जहां यच दिखेगा वहां हम कर्डिन 3y रख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखो अभी पुनः समकोण त्रिभुज दूसरा वाला लिया जाए, यहां तक गया एसीडी में क्या होगा जी 30 अंश बराबर लंब बटे आधार लंब होगा सीडी और आधार देखो पूरा यहां से यहां तक होगा क्योंकि पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, सीडी बटे एसी हो गया 30 अंश का मान 1 बट्टे कर्डी में 3, सीडी का मान है यच और एसी का मान आया पूरा यक्स प्लस वाई, तिरछा गुणा करा दो अब इधर यक्स प्लस वाई इसमें गुणा हो जाएगा 1 का और इधर यच में गुणा हो जाएगा, तो समीकरण 1 से यच का मान रखने पर यच का मान रख दो क्या होगा यक्स प्लस वाई बराबर करणी में 3y गुणे करणी में 3, तो यक्स प्लस वाई बराबर 3y हो जाएगा ना, तो यक्स बराबर 3y माइनस यक्स बराबर 2y, तो इसलिए हम कह सकते हैं ध्यान से देखना यक्स बट्टे 2 बराबर वाई, क्योंकि यक्स दिया है वाई हमें निकालना है ना, तो यक्स बट्टे 2 बराबर वाई वैसे लिखेंगे, इसलिए यक्स दूरी चलने में लगा समय बट्टे 2 बराबर वाई दूरी चलने में, मतलब दूरी की जगह हम क्या लिख सकते हैं लगा समय हो गया ना, तो यक्स दूरी चलने में कितना समय लग रहा है उसको 4 मिनट लगा था बट्टे 2, तो क्या हो जाएगा जी वाई दूरी चलने में लगा समय 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार में कितना मिनट 2 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि उसको पूछ रहा था ना इमारत के पास पहुंचने में, तो बी पर पहुंच चुका है और इमारत से कितनी दूरी पर है वाई दूरी पर है और वाई दूरी चलने में उसको कितना समय लग रहा है 2 मिनट, मतलब 2 मिनट में वो इमारत के पास पहुंच जाएगी हो गया ना। सवाल नंबर 10 को ध्यान देते हैं, सवाल नंबर 10 कह रहा है 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ये एनसीईआरटी किताब है, ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है,
इसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। सड़क पर एक बिंदु से दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। कहने का मतलब ध्यान से देखो, एक सड़क है जिसकी चौड़ाई कुल मिला के 80 मीटर है, दोनों साइड में समान ऊंचाई के दो खंभे लगे हुए हैं। समान ऊंचाई का कहा है सवाल में? सड़क पर एक बिंदु है, इस बिंदु से जब पहले वाले खंभे को देखा गया तो 30 अंश का कोण बना, और जब दूसरे वाले खंभे को देखा गया तो 60 अंश का कोण बना। तो पूछ क्या रहा है, दोनों खंभों की ऊंचाई बताइए। तो अगर पहले खंभे की ऊंचाई h है तो दूसरे खंभे की भी ऊंचाई h होगी, क्योंकि दोनों समान लंबाई के हैं। उसके बाद इसमें से किसी एक को x मान लिया जाए, या इसको मान लेते ना, ये बिंदु है बिंदु, यही को a मान लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना जो पहला खंभा है इसको पहला खंभा कर दिया जाए और इसको दूसरा कर दिया जाए। इसमें शायद नहीं है, नौवीं भी है क्या इसमें? अच्छा ठीक है, 7 नंबर है। तो देखो क्या कह रहा है, इसमें पहला खंभा और दूसरा खंभा। तो पूछ क्या रहा है, दोनों खंभों की ऊंचाई और सड़क पर स्थित बिंदु की दोनों खंभों से दूरी ज्ञात करना है। तो जो सड़क पर स्थित बिंदु A है, हम मान रहे हैं इसकी पहले खंभे से दूरी कितना है, x मीटर, क्योंकि पूरी चौड़ाई सड़क की कितनी थी, 80 मीटर थी ना। तो अगर ये x है तो दूसरा वाला कितना बचेगा जी, 80 माइनस x बचेगा, क्योंकि वो दिया है पूरा 80, इसलिए 80 में से घटा दिए। नहीं दिया होता तो इसको y मानते और पूरी दूरी x प्लस y होती, ठीक है ना। दिया है इसलिए हमने मान लिया, यहाँ पे a कर दिए, यहाँ पे b और यहाँ पे c, यहाँ पे d, यहाँ पे e। अब इसमें लिखेंगे दिया है, अगर मान ले जो जो मानना है तब दिया आते हैं। माना खंभों की ऊंचाई हो गया ना, DE बराबर BC, दोनों खंभे एक ही ऊंचाई के, इसके दोनों सेम सेम, बराबर h मीटर हो गया ना। उसके बाद तथा सड़क पर स्थित बिंदु A की पहले खंभे से दूरी, तो पहला खंभा ये है ना, डी पे है, तो डी ए बराबर कितना मीटर, एक्स मीटर मान लिया जाए, क्योंकि सड़क की चौड़ाई कितना दिया है, मतलब डी से गई सड़क कहाँ तक, डी तक वो है कितना मीटर, 80 मीटर हो गया ना। इसलिए दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी, दूसरे खंभे से बिंदु A की दूरी, दूसरा खंभा कहाँ है, ये है ना, अर्थात AB बराबर पूरी दूरी थी 80 और उसमें से किसको घटा देना है, x को। दोनों उन्नयन कोण बच रहे हैं अभी, दोनों उन्नयन कोण भी लिख लिया जाए। उन्नयन कोण तीसंस वाले का नाम है DAE बराबर तीसंस, तथा अगला वाला BAC और BAC बराबर 60 अंश हो गया ना। अब क्या कर सकते हैं, त्रिभुज लिया जाए। इसमें ध्यान दो, यट भी पूछा है और यक्ष भी पूछा है। अगर
60 अंश वाला त्रिभुज लेते हैं तो इसमें एच भी नहीं पता है, एक्स भी नहीं पता है, दोनों चीजें आ जाएंगी। चाहे 30 अंश वाला त्रिभुज ले तो तब भी एच नहीं पता है, एक्स नहीं पता है, दोनों चीजें आएंगी। कहने का मतलब यहाँ पे 60 अंश वाला त्रिभुज लो चाहे 30 अंश वाला त्रिभुज लो, चर पद दोनों में आने वाले ठीक। लेकिन जिसमें छोटा है पहले उसको लो। इसमें 80 माइनस एक्स दिख रहा है, इसमें केवल एच और एक्स साधारण दिख रहा है ना, पहले इसी को पकड़ो। यक्ष का मान यक्ष के पदों में आसानी से निकल जाएगा, चाहे यक्ष का मान यक्ष के पदों में आसानी से निकल जाएगा, निकालना तो दोनों किसी का किसी के पद में निकाल सकते हो तो ठीक है ना। तो शुरू हो जाओ, पहले 60 अंश वाला नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे 30 अंश वाला लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज, यहाँ से ए डी ई में, ए डी ई में टेन कितना अंश 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है जी इसमें डी ई बटे, आधार क्या है ए डी। 30 अंश का मान है 1/3 करणी में 3 बराबर इसका मान है यच और इसका नीचे मान है यक्ष, यक्ष का गुणा 1 में होगा और करणी में 3 का गुणा, मतलब यक्ष बराबर आ गया करणी में 3 यच। तो जहां हमको यक्ष आगे दिखेगा वहां हम करणी में 3 यच रख सकते हैं। शुरू हो जाओ, पुनः दूसरा समकोण त्रिभुज लिया जाए। पुनः समकोण त्रिभुज क्या होगा जी, एबीसी में ये वाला एबीसी, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में टेन कितना अंश 60 अंश बराबर फिर लंब बट्टे, तो इसमें लंब देख रहे होंगे ये वाला लंब होगा बीसी और आधार क्या होगा एबी। 60 अंश का मान होता है करणी में 3/1 बराबर ये है यच और बट्टे ये क्या है 80 माइनस यक्ष, तिरयक गुणन से तिरछा गुणा कराओगे तो इधर गुणा होगा ना, करणी में 3 गुणा 80 माइनस एक्स बराबर यच, तो 80 करणी में 3 माइनस यक्स करणी में 3 बराबर यच। यक्स का मान रखने पर देख रहे हो यक्स का मान क्या था, करणी में 3 यच और गुणा कितना है करणी में 3, तो 80 करणी में 3 माइनस 3 यच और बराबर, तो 80 करणी में 3 बराबर यच प्लस 3 यच मतलब 4 यच बराबर 80 करणी में 3 यच बराबर 80 करणी में 3/4 कितनी बार में कटेगा, तो यच बराबर 20 करणी में 3 मीटर अर्थात खंभों की ऊंचाई 20 करणी में 3 मीटर। समीकरण 1 से यक्ष बराबर करणी में 3 यच मतलब करणी में 3 गुणा 20 करणी में 3 क्या हो जाएगा जी, तो 3 करणी में 3 हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा और 20 मतलब 60 मीटर। यक्ष क्या था, पहले खंभे से बिंदु की दूरी थी 60 मीटर ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या मिला, दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर 20 करणी में 3 मीटर और पहले खंभे से बिंदु A की दूरी x मीटर अर्थात 60 मीटर, तो दूसरे खंभे से दूरी क्या है 80 माइनस x अर्थात 80 माइनस 60 बराबर 20 मीटर, तो क्या लिखेंगे, पहले खंभे से दूरी बराबर 60 मीटर और दूसरे खंभे से दूरी बराबर 20 मीटर और खंभों की ऊंचाई बराबर 20 करणी में 3 मीटर हो गया। नोट करो फिर आगे एक और सवाल देख लिया जाए, कोई जल्दी जल्दी नोट करो।
20 नंबर सवाल देख लो। देखो सवाल नंबर 20 कह रहा है, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक है। देखो ये हो गई तुम्हारा मीनार, देख रहे हो बात नहीं, एक बार मीनार के आधार से गए 4 मीटर दूर और एक बार मीनार के ही आधार से गए 9 मीटर दूर, यहां से आगे 9 मीटर मत कर देना। सवाल को ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है, मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर दूर पर स्थित दो बिंदुओं से शिखर का उन्नयन कोण, मतलब मीनार के आधार से 4 मीटर दूर एक बिंदु है और मीनार के आधार से 9 मीटर दूर एक बिंदु है, मतलब यहाँ पर देख रहे हो, तो ये चीज यहाँ पर हमें जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो कुछ लोग ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो 9 और 4 जोड़ के पूरी दूरी कहेंगे 13, पूरी दूरी 9 दिया उसने, अगर ये निकालना चाहते हो तो ये कितना होगा, 5 मीटर होगा, 9 माइनस 4 5 मीटर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक कोण बना और यहाँ से एक कोण बना, देखो ये दो कोण बने हैं, ये ऊंचाई दिया है कुछ नहीं दिया है ना, सिद्ध करना है हमको मीनार की ऊंचाई h बराबर 6 मीटर, चलो निकाल लेते हैं 6 मीटर आ जाएगा। अभी देखो नाम लिखो इसका a b c और d, तो दिया है मीनार के आधार, आधार कहाँ है इसका, सी है ना, से पहले बिंदु बी की दूरी बी सी बराबर 4 मीटर, फिर दूसरे बिंदु ए की दूरी ए की दूरी सी से ही बात कर रहा है वो, इसलिए एसी बराबर 9 मीटर। उन्नयन कोण दिया क्या, कितना अंश नहीं दिया, पूरक दे दिया, ठीक है। तो कहा है क्योंकि उन्नयन कोण क्या है जी, पूरक है ना, क्या होगा, इसलिए दोनों का योग कितना अंश होगा जी, 90 अंश होगा, ठीक। तो अगर पहला कोण थीटा मान लेते हैं तो इसलिए यदि कोण सी ए डी बराबर थीटा, सी ए डी दिख रहा है ना, सी ए डी बराबर थीटा, तो जो कोण सी ए डी है और प्लस कोण सी बी डी है दोनों का योगफल कितना अंश होगा, 90 अंश। तो सी ए डी थीटा है और प्लस कोण सी बी डी बराबर, तो कोण सी बी डी क्या मिलने वाला है, 90 माइनस थीटा, तो ये वाले में कोण कितना मिलेगा, 90 माइनस थीटा, दोनों बारे समकोण त्रिभुज ले लिया जाए, एक बार बड़ा वाला एक बार छोटा वाला, तो पहले थीटा वाला ले लें, तो समकोण त्रिभुज क्या जी, ए सी डी में टेन थीटा लेंगे ना,
दिखाई दे रहा है? कैंसिल क्या बराबर लंब बट्टे आधार, लंब है सीढ़ी, आधार है एसी, टेन थीटा को कुछ नहीं कर सकते हो, मान नहीं पता है कि रख दोगे। सीडी का मान यह दिया है और पूरा एसी का मान कितना दिया है? 9 दिया है, तो टेन थीटा बराबर या ठीक है, हाँ ठीक है, टेन थीटा बराबर यश बट्टे 9 रहने दो। समीकरण नंबर 1, पुनः बात किया जाए दूसरे समकोण त्रिभुज की, बी सी डी में, जब इसकी बात करते हैं तो हमें क्या दिखेगा, 10 लिया तो जाएगा लेकिन इस बार कितना है, 90 माइनस थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब कितना है सी डी और बट्टे आधार क्या है बी सी, 10 90 माइनस थीटा, इसका विचलन कराना पड़ेगा जी। अब तो 10 90 माइनस थीटा का सूत्र यहाँ बना लेते हैं हम लोग, क्या जानते हैं 90 से जुड़ा है इसलिए कॉट में बदलेगा, और 90 माइनस थीटा तो पहले से पता है, पहले चतुर्थांश में है, प्लस ही रहेगा और सामने क्या लगा देंगे, मतलब 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है, और सीडी का मान क्या है, यश है ना, और उसके बाद बट्टे इसका मान 4 है। आगे क्या कर सकते हो ये देखो, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, क्योंकि कॉट थीटा 10 का उल्टा होता है ना, तो इसलिए मान रख सकते हो, तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा की जगह जी, 1 बट्टे 10 थीटा बराबर यच बट्टे 4, कोई गलती। उसके बाद देखो भिन्न पलटने पर भिन्न पलट दोगे तो इसको 10 थीटा कर दोगे ना, और बट्टे क्या कर दोगे 1, और इधर 4 बट्टे, या जब 10 थीटा का मान रख दो, 10 थीटा का मान कहां से रखेंगे, समीकरण 1 से रखने पर 10 थीटा का मान है यच बट्टे 9 बराबर 4 बट्टे, तीर्था गुड़ा यच का गुड़ा यच में, और इधर 9 का गुड़ा 4 में, तो यच का गुड़ा यच में यच स्क्वायर, और 9 का गुड़ा 4 में 36, यच बराबर करड़ी में 36, यच बराबर 6 मीटर, मतलब मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 6 मीटर। हो गया ना, नोट कर लो, बाकी कोई और सवाल बचा दे। माने क्या है यहाँ पे, 10 टू 10 से ही किए हैं, 10 बदल गया कॉट में, वो उसकी गलती थी, उससे हमसे मतलब नहीं है, माना तो हमने यही था, जो मानते वो होता थोड़ी ना, माना हमने 10 में था वो बदल गया तो वो उसकी गलती, हमारी गलती थोड़ी ना, हमने तो जो माना सही था, हमने 10 से माना तो लंबे आधार माना है उसको, बाकी ये कॉट में बदल गया, उसके बाद हमने फिर उसको 10 में बदल दिया उल्टा करके।